वेलकम क्लास। आज हम सेल एंड टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में है। तो सेल और टिश्यू कल्चर क्या होता है? प्राइमरी सेल लाइंस, एस्टेब्लिश्ड सेल लाइंस क्या होती हैं, काइनेटिक्स क्या हैं सेल ग्रोथ की, ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एनिमल सेल कल्चर? इसमें करते क्या हैं हम, हमें इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये एक फ्लो चार्ट है, उसके बेसिस पर कुछ चीजें हम यहाँ पर इससे पता कर सकते हैं। क्लियर? देखिए, एक्चुअली व्हाट इज सेल कल्चर, कि सेल कल्चर में हम इन विट्रो सेल का कल्चर जो है वो करते हैं। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल फ्रॉम विच द सेल इज एक्सट्रैक्टेड, कि सेल को जहाँ से आपने लिया है वहाँ से आप उसको बाहर निकाल करके उसको एक आर्टिफिशियल मीडिया में रख करके और उसका कल्चर जो है वो करते हैं। तो इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं कि सबसे पहले हम एक ऑर्गन चूज करते हैं जिससे कि हमारे को सेल जो है वो लेनी है, उसका कुछ टिश्यू जो है वो हम लेते हैं और उसको उससे हम सेल को सेपरेट करने के लिए उसका एंजाइम से ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। उसका एंजाइम के साथ में ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है, लाइक ट्रिप्सिन एंड कोलेजिनेज। ये एंजाइम क्या करते हैं कि जो सेल्स का जो ग्रुप है, जो कि सेल एक दूसरे से अडेयर है, वहाँ से उनको वो सेपरेट कर देते हैं और हमारे को एक सिंगल सेल जो है वो मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे कि इस सिंगल सेल को सूटेबल कल्चर मीडिया में ट्रांसप्लांट करके और ग्रो करते हैं। इसको हम एक्चुअली जो टर्म देते हैं वो है आपका इनोकुलेशन कहा जाता है। जैसे जैसे ये चीज़ें आती जाएगी वहाँ पर मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता जाऊँगा। ओके, तो ये जो कल्चर हम कर रहे हैं इनिशियली, इसको हम प्राइमरी सेल कल्चर कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में और डिटेल से बात करेंगे। देन अगर हम इसको अप टू 70 टाइम्स जो है वो कल्चर कर लेते हैं, जो सब कल्चर होगा, यानी कि एक सेल को हमने ग्रो किया, उसके बाद में उस सेल को दूसरे कल्चर मीडिया में ट्रांसफर किया, उससे एक सिंगल सेल लेकर के, इस तरह से जब हम 70 to 80 टाइम्स जो है वो ये एक्शन हम परफॉर्म कर लेते हैं, तो ये जो सेल्स प्राइमरीली कल्चर्ड हमने की थी, ये अब एक सेल लाइन डेवलप होती है इससे, जिसको कि हम एस्टेब्लिश्ड सेल लाइन कहते हैं। और ये जो कल्चर है अब आपका, ये एस्टेब्लिश्ड सेल कल्चर कहलाता है, जब तक कि आपने 70 to 80 टाइम्स उसको सब कल्चर नहीं कर लिया है। अगर आप इससे और ज़्यादा कल्चर करते हैं तब क्या होगा कि जो सेल है वो ट्रांसफॉर्म होती है। और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जो मीडिया के डिफेक्ट हैं उसकी वजह से ये हो सकता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनको हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स कहते हैं और ये कल्चर आपका ट्रांसफॉर्म्ड सेल कल्चर कहलाता है। सो आफ्टर मोर देन 80 सब कल्चरिंग, देर इज ए अल्टरेशन इन सेल डिवीजन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बारे में भी हम बाद में डिटेल से बात करेंगे कि किस तरह से सेल जो है वो उसका जो डिवीजन कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी उसकी जो सेल साइकिल है वो अल्टर हो जाती है। उसमें जो क्रोमोजोम नंबर हैं जो कि डिप्लोइड होती है, वो एनोप्लॉइड जो है वो हो जाती है। एंड दिस सेल एक्वायर्स इनडेफिनेट ग्रोथ प्रॉपर्टी, कि उसमें जो है अनइवन ग्रोथ जो है वो होने लग जाती है और इसको हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट है, इसमें कई सारी टर्म्स जो है हमने यहाँ पर बता रखी हैं, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें से लगभग सारी चीज़ें जो है वो हमने कल्चर से रिलेटेड इसके अंदर बता दी हैं। ओके, नाउ वे स्टार्ट। सो वट इज सेल कल्चर? द मेथड दैट परमिट द स्टडी ऑफ द सेल्स इन विट्रो, दैट इज आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, इज नॉन एज कल्चर। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये
सेल कल्चर एक्चुअली क्या है? कल्चर हम किसको कहेंगे कि जब हम किसी सेल को इन विट्रो स्टडी करते हैं, एक ऐसी मेथड है जिसमें कि हम किसी सेल को लिविंग कंडीशन में ऑर्गेनिज्म से बाहर बनाए रख सकते हैं और इसकी कई जो साइकिल है वो हम पूरी कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, सेल कल्चर रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ सेल फ्रॉम एन एनिमल और प्लांट एंड देयर सब्सिक्वेंट ग्रोथ इन द फेवरेबल आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम वहाँ से उस फ्लो चार्ट को याद करिए, आप उसमें हमने ये कहा था कि हम यहाँ पर ऑर्गन को जो है वो ले रहे हैं और सिंगल सेल जो हमने ऑब्टेन की है उसको हम एक सूटेबल कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो करते हैं। ये कल्चर मीडिया क्या होते हैं ये भी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दी सेल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू डायरेक्टली एंड डिसएग्रीगेटेड बाय एंजाइम और मैकेनिकल मीन्स बिफोर कल्टिवेशन। इसकी जो सेल हमने किसी सोर्स से लिया है, जो मैंने आपको कहा था कि ऑर्गन से हम टिश्यू सेपरेट करते हैं और टिश्यू से ट्रिप्सिनाइजेशन के द्वारा या जो कोलेजिनेज एंजाइम है उसका ट्रीटमेंट करके और कर सकते हैं, या कुछ मैकेनिकल मेथड है जैसे थॉइंग करके उसको और सेंट्रीफ्यूज करके भी हम इन सेल्स को अलग वहां से कर सकते हैं। और दे मे बी डिराइव्ड फ्रॉम ए सेल लाइंस और सेल स्ट्रेंस दैट हैज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। और या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई आपके पास ऑलरेडी कोई कल्चर हो तो उस कल्चर में से भी हम कुछ सेल लेकर के और उनको सब कल्चर जो है वो कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज प्राइमरी कल्चर? प्राइमरी कल्चर क्या है कि जो मैंने बताया था आपको कि जो आपने सबसे पहले टिश्यू से जो सेल्स ली हैं उनको आप ग्रो यहाँ पर कर रहे हैं। सो इट इज द स्टेज ऑफ द कल्चर और इट इज टाइप ऑफ द कल्चर आफ्टर द सेल्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम द टिश्यू एंड प्रोलिफरेटेड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस अंटिल दे ऑक्यूपाई ऑल ऑफ द अवेलेबल सबस्ट्रेट। यानी वो जब तक हम उनको किसी सोर्स से लेकर के एक आर्टिफिशियल मीडिया में रख करके और उनको ग्रो करते हैं उसमें, तो वो डिवाइड होंगी और उसकी वजह से वो जितना भी सबस्ट्रेट अवेलेबल है यानी जो कल्चर मीडिया अवेलेबल है या तो वो उसको कंप्लीट यूज कर लेंगी या उसको कवर कर लेगी। इसको हम कहते हैं कि ये कन्फ्लुएंस की स्टेज पर आ गई है। अब इन स्टेज के बाद में इन सेल्स को हमें सब कल्चर्ड जो है वो करना पड़ता है और ऐसी जो सेल्स होती है उनको हम पैसेज्ड सेल्स जो है वो कहते हैं। और किस तरह से सब कल्चर करेंगे यहाँ पर कि ये जो कल्चर हमने किया है इसमें से सेल लेकर के इनको किसी नए वेसल में फ्रेश आर्टिफिशियल ग्रोइंग मीडिया के अंदर रखते हैं जिससे कि उनको न्यूट्रिशन और आपको स्पेस जो है वो अवेलेबल हो जाता है, स्पेस भी अवेलेबल हो जाएगा उनको और उसके साथ साथ इनको आपको न्यू जो मीडियम जो है वो भी फ्रेश अवेलेबल यहाँ पर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज सेल स्ट्रेन? हमने वहाँ पर एक सेल स्ट्रेन का भी बात आई थी। सो इफ ए सब पॉपुलेशन ऑफ सेल लाइन इज पॉजिटिवली सेलेक्टेड फ्रॉम कल्चर्ड बाय क्लोनिंग और सम अदर मेथड दिस सेल लाइन बिकम्स ए सेल स्ट्रेन। एक्चुअली क्या है कि जब हमने कल्चर कर लिया है उसमें से हम किसी एक पर्टिकुलर सेल को सेल लाइन को सेलेक्ट करते हैं और इसका कल्चर हम करते रहते हैं या कोई दूसरी मेथड हम इसको काम में ले सकते हैं। तो ये जो सेल है अब आपकी वो एक पर्टिकुलर टाइप की सेल हो गई है जिसको कि हम सेल स्ट्रेन कहते हैं। ए सेल स्ट्रेन ऑफन एक्वायर्स एडिक्वेट जेनेटिक चेंजेज सब्सिक्वेंट टू द इनिशिएशन ऑफ द पेरेंटल लाइन। इस सेल ये सेल जो है वो आपकी जो ओरिजिनल सेल है उससे किस तरह से डिपेंड होगी इसको इसका अगर हम बात करें कि ये जो सेल है वो किस तरह से उससे अलग होती है, तो ये सेल जो है वो किस तरह से अलग होगी कि इसके अंदर कुछ चेंजेज जो हैं वो आ जाते हैं जो कि हमने इनिशियली स्टार्ट किया था उस सेल से। सो ए सेल स्ट्रेन कैन बी डिराइव्ड बाय सेलेक्शन और क्लोनिंग ऑफ सेल्स जो कि हम प्राइमरी कल्चर में उनकी क्लोनिंग जो है वो कर रहे हैं हैविंग स्पेसिफिक मार्कर्स और प्रॉपर्टीज कि उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक मार्कर आप ऐड कर सकते हैं कि जो डिजायर्ड मार्कर है वो ये है
या कोई डिजायर्ड प्रॉपर्टी है फ्रॉम ए प्राइमरी सेल लाइंस और एन एस्टेब्लिश सेल लाइन। और ये जो सेल स्ट्रेन है वो हम प्राइमरी सेल लाइंस से भी ले सकते हैं और जो एस्टेब्लिश्ड सेल लाइन है वहां से भी हम इसको ले सकते हैं। सो सेल स्ट्रेन इज पॉपुलेशन ऑफ सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल टिश्यूज सब कल्चर्ड मोर देन वंस इन विट्रो बट लैकिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनडेफिनेट सीरियल पैसेजेस व्हाइल प्रिजर्विंग द क्रोमोसोमल कैरियोटाइप कैरेक्टराइजिंग द टिश्यू ऑफ द ओरिजिन। इस चीज को समझिए आप। यहाँ पर हम ये करें कि सेल स्ट्रेन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो पॉपुलेशन है सेल्स की जो कि एनिमल टिश्यू की सब कल्चर से हमें मिली है, जो कि सब कल्चर हम कहाँ कर रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल, दैट इज इन विट्रो। लेकिन इसमें जो इनडेफिनेट सीरियल पैसेजेस की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होती है, और जो क्रोमोसोमल कैरियोटाइप है वो सेम होता है जो कि आपका उस एनिमल का है जिससे कि ये सेल ओरिजिन हुआ है। यानी ये सेल हमने जिस एनिमल से ली है उसका जो कैरियोटाइप है वैसा ही कैरियोटाइप इस सेल का होता है। जब ये ट्रांसफॉर्म होती है तब ये कैरियोटाइप जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसके पहले हम ये जो स्टेज है जहाँ पर कि उसका जो कैरियोटाइप है वो ओरिजिनल टिश्यू या एनिमल से मिलता है उसको हम सेल स्ट्रेन्स कहेंगे। ह्यूमन सेल्स की अगर हम बात करें कि हमारे को अगर ह्यूमन सेल्स का कल्चर करना है तो ह्यूमन सेल कल्चर्ड इन विट्रो कैन रिटेन द डिप्लॉयड कैरियोटाइप थ्रू 50 ट्रांसफर्स ओवर ए पीरियड ऑफ 11 मंथ व्हेन द सेल डीजेनरेट एंड डाई। जब हम ह्यूमन सेल्स का कल्चर करते हैं इन विट्रो में तो ये आपका 50 ट्रांसफर तक, यानी 50 टाइम्स आप इसको सब कल्चर करें, और एट द टाइम की अगर हम बात करें तो 11 मंथ का जो पीरियड है वहां तक ये एक उसका जो कैरियोटाइप है वो बना रहता है, और उसके बाद सेल जो है वो डीजेनरेट होकर के और डेथ उसकी हो जाती है, ये प्रोलॉन्ग सर्वाइव जो है वो नहीं कर पाती है। ओके, ये एक इमेज है जिसमें कि हम बता रहे हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एनिमल सेल एंड टिश्यू कल्चर, यानी कि इसमें जो एंशियंट टाइम्स से क्या क्या डेवलपमेंट जो है वो हुए हैं यहाँ पर, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करें तो 1665 में आपको पता होगा कि हुकर ने माइक्रोग्राफिया पब्लिश किया था और टर्म सेल इज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रॉबर्ट हुक्स, ध्यान है ना कोई चीज। ओके, देन स्लाइडन एंड स्वान प्रपोज द सेल थ्योरी, देन रॉक्स विलियम रॉक्स फर्स्ट मेथड ऑफ सेल कल्चर इन द ईयर 1885 में विलियम रॉक्स ने सबसे पहले सेल कल्चर का मेथड जो है एक प्रोटोकॉल हमारे को दिया था। देन इन 1910 कैरल बरोज एंड मॉन्ट्रोस एक्सप्लेन द टिश्यू फ्रेगमेंट्स फॉर 2 to 3 months। इन्होंने टिश्यू फ्रेगमेंट को 2 to 3 months तक जो है वो सर्वाइव किया था इन विट्रो कंडीशंस में। ओके, देन रॉस एंड जॉन्स इन द ईयर 1960 वर्कड आउट ट्रिप्सिनाइजेशन एंड सब कल्चर मेथड, जो हमने बात करी थी कि सेल के सेपरेशन के लिए हम ट्रिप्सिन या कोलेजिनेज एंजाइम जो है वो काम में लेते हैं। तो ये आपको सबसे पहले रॉस और जॉन्स ने 1916 में ये मेथड दी थी। देन the ATCC is established for cell culture technique evolution, ATCC की स्थापना कह सकते हैं इसको 1925 में हुई थी। In 30s the Carroll and Lindbergh's new cell culture device का इन्होंने invention जो है वो किया था। 1940s में ये इस तरह से 1943-1949 हम आ जाते हैं यहाँ पर सीधा आपका 1952-95 ग्रे एस्टेब्लिश द फर्स्ट ह्यूमन सेल लाइन, इसमें हम बात करेंगे वहां पर हेला सेल्स वगैरह की। देन 1965 हेप्लिक्स डिफाइन इन डिफाइनाइट लाइफ स्पैन ऑफ द ह्यूमन सेल्स, जो मैंने बताया था आपको कि हम उसको 11 मंथ तक जो है वो सब कल्चर उसको करके और रख सकते हैं। इन 1992
स्किन स्किनेथिक प्रोड्यूसेस ह्यूमन टिश्यू एंड न्यूरल स्टेम सेल कल्चर इन द कल्चर इन विट्रो दैट इज आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इन 2002 अटल एंड लेंजिया एक्सप्लॉइट टिश्यू इंजीनियरिंग एंड आफ्टर 2010 द अटेला डेमोन्स्ट्रेट 3D टिश्यू एंड ऑर्गन बायोप्रिंटिंग टेक्निक्स. सो नाइट फ्रॉम 1665 द डिस्कवरी ऑफ दिस सेल टू 2020 कई डेवलपमेंट जो है वो हो चुके हैं और कई एडवांस टेक्निक्स जो हैं वो हमारे पास में अवेलेबल आज है जिनसे कि हम सेल कल्चर के बारे में जानकारी ले सकते हैं. ओके, देन टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर. सेल एंड टिश्यू कल्चर की हम बात कर रहे हैं तो ये किस लेवल पर हम कर रहे हैं उसके बेसिस पर हम इसको सेल कल्चर देन एक्सप्लांट कल्चर और ऑर्गन कल्चर इन तीन चीजों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, सेल कल्चर मैंने बताया था आपको यहाँ पर कि एक सेल जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाएगी मोस्टली एंजाइमेटिक इनटू ए सेल सस्पेंशन विच में देन बी कल्चर्ड एज मोनोलेयर और सस्पेंशन कल्चर. ये भी हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में कि एक मोनोलेयर के ऊपर एक थिक सबस्ट्रेट के ऊपर हम इसको काम में ले सकते हैं या कोई ऐसा जेल या लिक्विड मीडिया जो है वो काम में ले सकते हैं जिसमें कि ये सेल जो है वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहती है. ओके, जबकि मोनोलेयर में क्या होगा, एक सॉलिड सबस्ट्रेट जो है वो अवेलेबल इनको होता है जिसके ऊपर ये सेल जो है वो ग्रो कर सकती है. ओके, अब इनके एडवांटेज क्या है कि यहां पर हम कई जनरेशन तक सेल लाइन जो है वो मेंटेन करके और रख सकते हैं. स्केल अप इज पॉसिबल. देन एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट इन केस ऑफ सेल कल्चर कि ये आपका लिमिटेड है तो आप अच्छी तरह से कंट्रोल इसको कर सकते हैं. देन होमोजेनिटी ऑफ सैंपल कि जो सेल्स हैं वो सभी एक जैसी आपकी यहाँ पर होगी. देन लेस कंपाउंडेड नीडेड देन एनिमल मॉडल्स कि इसके अंदर आपको जो मीडिया जो है वो आपका उसमें जो कंटेंट है वो सिंपल आपके यहाँ पर होंगे. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल कल्चर दैट सेल में लूज सम डिफरेंशिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं और जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं इनके बारे में आप जानते हैं तो जब हम कल्चर करते हैं तो जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर जो चेंजेज होते हैं जिनको कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो लूज हो सकता है, वो खत्म हो सकता है. देन इट इज हार्ड टू मेंटेन ए सेल लाइन कि इसके लिए आपको बहुत मेहनत जो है वो करनी पड़ती है, बहुत प्रिकॉशंस आपको यहाँ पर रखने पड़ते हैं. देन ओनली ग्रो स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू एट हाई कॉस्ट कि आपका बहुत कम अमाउंट में टिश्यू जो है वो डेवलप होगा और उसकी कॉस्ट भी आपकी यहाँ पर हाई होगी. देन इंस्टेबिलिटी और एन्यूप्लोइडी जैसे मैंने आपको बताया था कि आफ्टर 70-80 कल्चर वो जो है उसके अंदर क्रोमोसोमल जो कैरियोटाइप है आपका वो डिस्टर्ब आपका यहाँ पर हो सकता है. देन हम आ जाते हैं एक्सप्लेंट कल्चर पर. इज द ग्रोथ ऑफ टिश्यू ऑफ सेल सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म कि यहाँ पर हम टिश्यू को भी काम में ले सकते हैं इसको और फैसिलिटेटेड वाया यूज ऑफ ए लिक्विड सेमी सॉलिड और सॉलिड ग्रोथ मीडियम सच एज ब्रॉथ और एगर की वैरायटी है आपके पास में यहाँ पर जहाँ पर कि आप डिफरेंट टाइप के मीडिया को लेकर के और इसको ग्रो कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लेंट कल्चर. सो सम नॉर्मल फंक्शंस मे बी मेंटेन्ड देन बेटर देन ऑर्गन कल्चर फॉर स्केल अप बट नॉट आइडियल कि ये आपका जो इससे जो ऑर्गन कल्चर है उससे ये आपका बेटर है. देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस द ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू इज लॉस्ट कि आपका जो टिश्यू का जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन था वो आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है. अब हम बात करते हैं ऑर्गन कल्चर की. द एंटायर एम्ब्रियोज और ऑर्गन्स आर एक्सरसाइज फ्रॉम द बॉडी एंड कल्चर्ड कि किसी ऑर्गन को आप अलग निकाल लें और उसको आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में मीडिया में आप रख करके कल्चर मीडिया में रख करके और ग्रो करें ये आपका ऑर्गन कल्चर होगा. व्हाट आर द एडवांटेजेस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर मेंटेन्ड देन सेल रिमेन फुली डिफरेंशिएटेड वेर एज इन सेल कल्चर हमने ये देखा था कि जो सेल है वो उनका वो डिफरेंशिएशन हो जाता है उनके अंदर सेल में लूज सम एडवांस प्रॉपर्टीज. देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस द स्केल अप इज नॉट रिकमेंडेड ग्रोथ इज वेरी स्लो एंड द फ्रेश
एक्सप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी एक्सपेरिमेंट, कि आप उसी में से किसी को करके और नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा ऑर्गन को इंटेक्ट रखना है, या जैसे अगर आप एम्ब्रियो का कल्चर करना है तो उसमें उस एम्ब्रियो को आप सब कल्चर वहां पर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हर बार आपको एक नया ऑर्गन या नया एम्ब्रियो जो है वो इस कल्चर मीडिया के अंदर आपको देना पड़ेगा। ओके, सो इसके बाद हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर की, इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आप इसको पढ़िए, अब तक जो चीज़ें बताई है मैंने आपको वो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं और इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ एडवांस टेक्निक्स की बात हम यहाँ पर इसमें करते जाएंगे। थैंक यू।